Hello friends, let me introduce myself. I am Professor Suresh Hasbe, Department of Physics, SDSM College Palgar. Today we are going to discuss about wave optics that is from New Syllabus 12 standard. Now

That is also considered as a particle theory there. And what you have considered there, that you have to study there. These are the different points. That's the five to six different points they are given. Now look at the first one there. Newton have assumed that light is emitted in the form of a small particles, and these particles are known as corpuscles. So Newton ne particles ka naam rakhha corpuscles. Aur ye light particles se bana hua hai,

at the same time here have consider that these particles are not of a same size these particles travels in a straight line in an isolated homogeneous medium means a medium may x particles x straight line may travel karte.

और जैसे ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होता है इसलिए न्यूटन ने क्या कंसिडर किया है दैट इज दिस पार्टिकल्स ऑफ द लाइट दैट इज कार्पोस्क आर देयर दे मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द ग्लास और वाटर दैट इज रिफ्रैक्टिंग मीडियम एंड दैट्स व्हाई व्हाट वॉट यूडर देयर दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड पार्टिकल्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साथ में उसने क्या बताया जो डेंसर मीडियम है दैट विल अप्लाई दैट विल लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस पार्टिकल्स एंड द रेयर मीडियम पार्टिकल एंडियम लेसर अट्रैक्टिव फोर्स देयर इसका मतलब क्या हुआ दैट इज वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ असिटी ऑफ अ लाइट इन रेयर मीडियम ये न्यूटन की थे के हिसाब से

पार्टिकल से बना हुआ है ओके, okay? और ये पार्टिकल सोर से इमिट होते हैं। तो यदि ये पार्टिकल से इमिट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो सोर्स का मास धीरे-धीरे कम होना चाहिए, ओके बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वॉट एपन देर इज नथिंग लॉस ऑफ मास ऑफ दर एंड ड्रॉबैक ऑफ दिस थे दैट इज इट इज नॉट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल ठीक है नाउ डू कैट द सेकेंड पॉइंट अब जैसे न्यूटन की थियरी डिस्कस करते समय हम लोगों ने बस डिस्कस किया था दी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर मीडियम इसका मतलब क्या हुआ लाइट का वेलासिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा है रेयर मीडियम से लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इसका अपोजिट है

साथ में जैसे मॉडर्न फिनम है मेनी फिनम सच है इंटरफरेंस डायप्रैक्शन पोलराइजेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट इट्सेट्रा आर नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थेरीयर एंड दैट्स वाई दिस थेरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड इनिशियली